गुजरात के पूर्व विधायक और गुजरात बीजेपी के उपाध्यक्ष जयंती भानुशाली पर बलात्कार का संगीन आरोप लगा है, जिसके बाद उन्होंने गुजरात बीजेपी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि कच्छ जिले के 53 साल के नेता ने यह दावा किया है कि उस पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो उनकी छवि खराब करने की साजिश है। आपको बता दें कि सूरत की रहने वाली युवती ने पुलिस आयुक्त कार्यालय में 10 जुलाई को एक आवेदन दिया था, जिसमें उसने भानुशाली के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराने की मांग की थी। सूरत के पुलिस आयुक्त सतीश शर्मा ने बताया कि मामले में अब तक FIR दर्ज नहीं की गई है। युवती ने भानुशाली पर आरोप लगाया है कि उसने पिछले नवंबर से अब तक उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। महिला का दावा है कि भानुशाली ने उससे वादा किया था कि वो प्रतिष्ठित फैशन डिजाइनिंग कॉलेज में उसका दाखिला करा देंगे। जयंती भानुशाली 2007 से 2012 तक कच्छ विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। हालांकि मामले में अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई है, लेकिन महिला के आरोप संगीन हैं। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि भानुशाली ने उसका वीडियो क्लिप बनाकर उसे इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी दी है। वायरल किड़ा न्यूज़।